नया मोटर व्हीकल कानून ट्रांसपोर्ट रो को रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्हें खासी नाराजगी है। इसी के चलते पानीपत शहर के ट्रांसपोर्टरों ने कामकाज बंद वीरवार को दिन भर हड़ताल रखी। प्रधान धर्मवीर मलिक ने बताया कि नए मोटर व्हीकल कानून में भारी जुर्माना राशि लगाई गई है, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डीजल के रेटों में बेतहाशा वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध करते हैं, यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। हमारा जो इतने चलान बढ़ा दिए हैं सरकार ने, हम वो चलान की राशि नहीं दे पाएंगे। हमारा व्यवसाय में पहले दम नहीं है, इतने टूल टैक्स, डीजल रेट, हमारे टैक्स जो गाड़ियों के आरसी टैक्स है, परमिट टैक्स है, हमारे पे वही नहीं भरे जाते। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, नए लाइसेंस नहीं बन रहे। इतने सख्त एक्ट बना दिया सरकार ने, हम क्या करें। एक दिन की अभी हमने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पे की है। और मैं पानीपत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हुए मेरा दायित्व बनता है कि आज स्ट्राइक को कामयाब करें और स्ट्राइक करें। और इस बात को देखते हुए हमने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की है कि एक दिन की स्ट्राइक की कार्रवाई की है, ताकि हमारे भविष्य सुधर जा सके। वैसे भी कुछ नहीं बच रहा। आप ये देखो, सभी गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पर, काम ही नहीं हमारे पास किसी के पास भी। आगे क्या कदम रहेगा सर? आगे कदम ये रहेगा, जैसे ऊपर से आदेश आएंगे, ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक होगी। एक पानीपत की स्ट्राइक करने से कामयाबी नहीं मिलती, ऑल इंडिया लेवल पर अगर स्ट्राइक करनी पड़ी तो हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। मांगे क्या हैं सर आपकी? मांगे एक दो जुर्माने इतने बढ़ गए, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया इसके अंदर, जहाँ पहले 500 रुपये जुर्माना था, वहाँ उसका जुर्माना हो गया 5,000 रुपये, और जहाँ पहले 100 रुपये जुर्माना था वह कर दिया 10,000 रुपये। मोटर व्हीकल एक्ट में इतनी भारी चेंजिंग आ गई, पहले नहीं हम भर सकते गाड़ी चलाने लायक हमारे पास। 100 रुपये होगी, 500 रुपये होगी, हम गाड़ी चला नहीं सकते। रास्ते के अंदर आरटीओ ने जो 500 रुपये लेता है ड्राइवर से रिश्वत, खास करके मैं जयपुर वाले आरटीओ को नाम लेके कह रहा हूँ, हमारी गाड़ी चलवानी छटवा दी उसने। 24 घंटे जयपुर से लेके और यहाँ तक राजस्थान के आरटीओ 24 घंटे सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं, और पहले 500 रुपये रिश्वत लेते थे, अब सीधे 5,000 मांगते हैं, नहीं तो 20,000 का जुर्माना होगा। पहले जो कितना चालान था और अब उसकी राशि कितनी कर दी? पहले आप लोगों ने सारा बताया, पहले जो 100 रुपये का चालान था उसकी सीधी 500 रुपये होगी, जो 500 रुपये बगैर हेलमेट का चालान था उसकी सीधी 1,000 कर दी 500 वाले की, लाल उसका सीट बेल्ट का चालान था 1,000 रुपये था उसका 10,000 कर दिया। तो इस तरह के कानून दे कानून थोपे जा रहे हैं, ये तो अंग्रेजों के टाइम में कभी नहीं हुआ, जो इस सरकार ने कर दिया। रोटी छुटवा दिया आम आदमी की, सारी फैक्ट्री बंद पड़ी, फैक्ट्री नहीं चलेंगी, ट्रांसपोर्टर कहाँ चलेंगे। हमारा तो रोटी रोजी का भी हालात खराब कर दी ट्रांसपोर्टरों की। हम तो ये इनको किसान, ड्राइवर, मजदूर, अभी आपने देखा हुआ, एक टीवी पे देखा हुआ, एक यूपी के अंदर एक बुग्गी झोटा चलान किया, और बुग्गी झोटा सड़क के किनारे बैठ के बांध गए, गठड़ी नार की लेने चला गया, इतना थड़े में पाएगी झोटा बुग्गी, 1,000 का जुर्माना दो, कहाँ से पूरा करेंगे ये लोग। रोज प्रदर्शन जिला स्तरीय है, प्रदेश स्तर पे है, इंडिया स्तर पे, पूरे भारत स्तरीय है, पूरे भारत के स्तर पे है, पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक है। यदि पानीपत की बात की तो आज कितने कर्मचारी जो है पानीपत में, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टर बंद है, कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, कहीं भी कोई भी गाड़ी हमारी बाहर नहीं जाएगी, ना आएगी माल लेके आएगी, नहीं जाएगी। एक दिन की स्ट्राइक है, शाम रात को खुल जाएगी स्ट्राइक, एक दिन की आगे, उसके बाद जो प्रोग्राम होगा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो आदेश हमारे पास आएंगे उसको हम लागू करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।